यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं एटी में। आप ये कहते हैं हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो आ गया है, मेडिकल कॉलेज आने का बनने का एक ये समझ लीजिए सफेद हाथी का रूप ले लिया है उसने। वहाँ डॉक्टर नाम की चीज नहीं है। आप जाइए खुद जाके आप भी पड़ताल कर सकते हैं इस चीज की। पेशेंट इधर से उधर घूम रहे हैं, आज पर्चा इधर बनना है, स्टाफ का पर्चा दूसरी जगह बनना है, मेडिसिन यहाँ से लीजिए पर्चा 1 किलोमीटर अंदर जाके दूसरे विभाग से लेके आइए, तो वहाँ चक्कर लगा रहा है। और जो अनपढ़ आदमी है ग्रामीण अंचल का, वो कुछ नहीं समझ पाता इन चीजों को, उसको समझाने के लिए भी कोई नहीं है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ, कोई मुद्दों का तो यहाँ जमावड़ लगा हुआ है एटी के अंदर, मतलब जमीन पर काम नहीं दिखाई देता। साहब आपका नाम? साजन देव जी। आपसे बात रह गई थी, ढेर सारे मुद्दे आ गए, कोई ऐसा जो अभी भी फेहरिस्त में छूटा हुआ है? हाँ बिल्कुल है, शिक्षा का मुद्दा। सरकार शिक्षा पे तो ध्यान दे रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है वहां शिक्षा नहीं पहुंच पाती। कारण क्योंकि वो लोग इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, भट्टे पे मजदूर, उनके जो मजदूरों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। हम लोग चाहते हैं कि उन बच्चों को भी शिक्षा मिले। स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं करते, वो कहते हैं आज यहाँ हैं, एक साल बाद कहीं और चले जाएंगे, इनको हम कैसे पढ़ा लें, हमारी लिस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि उन बच्चों की पढ़ाई स्कूल में हो जाए। ये हमारा क्या नाम साहब आपका? नीरज गुप्ता जी। और ये उन बच्चों की आपने बात की जिनकी पढ़ाई अक्सर पूरी नहीं हो पाती, आपके हिसाब से बतौर युवा वोटर क्या है आपके दिमाग में मुद्दा? हमारा है जॉब मिले, और सरकार जो अभी शिक्षक भर्ती नहीं आई 5 साल में, वो उसकी मांग कर रहे हैं, और पुलिस का पेपर लीक हुआ है, और ऐसा ना हो सरकार से। बिना पेपर लीक हो भर्तियां रेगुलर आए और रोजगार मिले। आपका नाम? अंकित यादव जी। जी सर, रोजगार, युवा सर जो मेहनत कर रहा है सुबह शाम 4 बजे उसके डॉल लगा रहा है अग्निवीर की, जो भर्ती प्रक्रिया है वो 4 साल पूरी उन्होंने कर दी, उसमें सम्मान कहाँ मिल रहा है? जो युवा 4 बजे उठ के इतनी मेहनत करता है, और फिर ये अभी पुलिस भर्ती हुई तो इसमें पेपर लीक हुआ। ये हाई स्कूल इंटर के तो पेपर करा रहे हैं ठीक से, ये यूपी पुलिस भर्ती को नहीं करा रही है ठीक से। इसमें जो पर्चा लीक कर दिया, इसमें ये पर्चा लीक नहीं कराया गया, ये पर्चा जानबूझ के हुआ है लीक, क्योंकि सरकार को नौकरी ना देनी पड़े। क्या तले पकौड़े तले सर? क्या उन्होंने, सरकार ने तो कह दिया पकौड़े तले। जो युवा इतनी मेहनत से अपनी पढ़ाई करके और पेपर दे रहा है, उन्होंने युवा क्या होगा जो मेहनती युवा है? और सर मुद्दे तो बहुत हैं ईटा में, कोई इतने सालों में कोई विकास नहीं हुआ, रेलवे लाइन कनेक्ट नहीं हुई कासगंज के लिए, मेन मूल रूप लाइन जुड़े कि जिससे ईटा का विकास हो, तो सर ईटा का विकास तो सर कहीं नहीं दिख रहा है धरातल स्तर पर। जमीन पर कुछ नहीं, जमीन पर कुछ नहीं है विकास। और सर मेन चीज ये है, अब ये सिविल लाइन बनी गई, इतना आदमी प्रदूषित हुआ और मिट्टी धूल मिट्टी रोज मुंह में मिट्टी आ रही है, आदमी पॉल्यूशन हो रहा है, बीमार पड़ रहा है आदमी, तो क्या है सर इसमें मैं चीज क्या है इसमें? रोड को तो क्लियरेंस कर ही जाए, रोड बंद चल रहे हैं अभी, ये सर आपकी आपके पीछे ही है रोड अभी तक बंद पड़ा है, इतने धीमे रफ्तार से काम चल रहा है, इतने धीमे तो सर ये चीटी का काम चल रहा है, कोई रफ्तार से काम किया जाए, यही मुद्दा है। क्या नाम साहब आपका? मैं सोएब खान, समाजवादी छात्र सभा जिला अध्यक्ष। उसके बाद जब आप पूरे नाम के साथ जब पद जोड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि विरोध इसलिए है क्योंकि वो राजनीतिक है जी। सेम पद, सेम नाम पद भी सेम, संजय जब आप सेम कहते हैं जी। आपसे बात रह गई थी, कहाँ गए जी? मेरा नाम भरत सिंह, और इस समय जो अपने एटा की नहीं पूरे देश की समस्या है, मतलब भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी की आग में देश झुलस रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश और विदेश में डंका बज रहा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है साहब, और भ्रष्टाचार चरम आपने देख लिया, इलेक्ट्रो बॉन्ड आपने देख लिया, कहते हैं मतलब मोदी की हर गारंटी और वादा हुआ जुमला, और कैसे जीतेंगे चुनाव अगला, जो भी उन्होंने वादा किए हर वादा उनका जुमले में बदल गया, हर साल 2 करोड़ नौकरी, हर खाते में 15 लाख रुपया, अच्छे दिन, महंगाई 100 दिन में कम कभी हुई ये नहीं होगी साहब, हमारा यही है साहब। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह। भरत जी, खूब लोगों को सुना होगा, क्या आपके हिसाब से है जो ढेर सारी फहरिस्त थी उसमें अभी भी रह गया? जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय युवाओं का है, युवाओं एटा के लिए बात कर रहा हूं मैं, शिक्षा अपनी जगह, उसके साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अभी हमारे एटा में खेलने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है,
एथलेटिक्स वगैरह मतलब इस प्रकार के जितने भी गेम्स हैं उस तरह के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। ये एटा के लिए एक मुद्दा है, युवाओं के लिए नया मुद्दा है, जिससे कि आजकल जैसे आप देख रहे होंगे डिजिटलाइज्ड बहुत हो रहा है, तो अगर शिक्षा की बात करी जाए, चलो मेडिकल आ गया, अच्छी बात है, स्वागत है मेडिकल कॉलेज का, एटा में बन भी गया है, चालू भी हो गया है। अब इसके साथ साथ जैसे कि पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, क्योंकि आजकल तकनीक की तरफ भारत बढ़ रहा है और देश ने नाम भी बहुत किया है तकनीक के लिए, मगर अब देश को थोड़ा अंदर भी देखना होगा। ये छोटे छोटे जिले, एटा हमारा बहुत छोटा जिला है, जैसे कि पहले एटा का युवा जाता था दिल्ली जाता था तो एटा के युवाओं को रूम नहीं मिलता था, आज एटा इतना भयमुक्त हो चुका है, थोड़ा सुधर चुका है, तो आज एटा के युवाओं को थोड़ी सहानुभूति मिलती है। इतना काम हुआ है 2014-2017 की सरकार के बाद, जिससे कि अब नया जो भारत है उसमें एटा की जो है डिमांड है वो यही है कि आपका नाम साहब? मेरा नाम केशव माहेश्वरी है। और सबसे अच्छी बात यह है, तमाम लोगों को सुनकर जो मुझे समझ आया, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।